हेलो जी, सत श्री अकाल सारिया नू। आई होप तुसी सारे जाने बहुत ही वधिया होवोगे। मैं तुहाडी अपनी प्रीत खोसला ते स्वागत करदी हां तुहाडा अपने इस चैनल ते। अज असी करन जा रहे हां रिबॉन्डिंग विद बोटोक्स एंड इस तों बाद सीगे साडे कोल हाईलाइट वाले कस्टमर। तुसी इस कस्टमर दे हाईलाइट हेयर देख सकदे आ, इन्ने ज़्यादा हाईलाइट हेयर सी, ब्लोंड हेयर सी इन्हां दे, ना बड़ी मुश्किल नाल इन्हां दा वर्क असी डन कीता। मतलब जिन्होंने भी इन्हों के पहला हाईलाइट किए उन्होंने इन्हों के हेयर पूरी तरह डैमेज कर दिते हुए सीगे। सो इन्होंने जाना सी फोन ते, इस करके इन्हों एमरजेंसी विच साडे कोलों करवानी पई बोटोक्स। ते प्लीज़ मेरा गला खराब आ, मेरी आवाज़ ते ना जायो, इग्नोर करियो। एंड तुसी लास्ट विच देखियो इन्हों के हेयर बहुत ही सोहने हो गए सी। जिस दिन इन्होंने मेरे को बोटोक्स करवाई सी उस दिन मेरे को क्लिप लैन का टाइम नहीं सी। सो सैकेंड डे मैं इन्हों बुलाया सीगा ते इन्हों के हेयर दी सैकेंड डे दी वीडियो शूट की है मैं। सो बहुत ही प्यारे हुए सी इन्हों के हेयर। साडे कोल सीगे हाईलाइट वाले कस्टमर, इन्हां दे हेयर काफ़ी ज़्यादा हल्के सीगे ते इन्हां ने करवाने सी हाईलाइट। सो असी इन्हां दे हेयर दे विच कर रहे हैं वर्क एंड तुसी डन होण तों बाद देखियो इन्हां दे हेयर भी बहुत ही ज़्यादा सोहणे हो गए सीगे। इह आ इन्हां दे हेयर ते असी हल्की हल्की प्रेसिंग दित्ती आ, स्ट्रेट कीती आ तां जो लुक होर ज़्यादा उभर के आवे। एंड बहुत ही डीसेंट जिहा कलर इन्हां ने करवाया सीगा ते असी जदों भी हाईलाइट करते हैं कभी भी किसी के हेयर डैमेज नहीं करते। मतलब जिन्ना क वर्क उन्होंने हेयर पर सही रहे सिर्फ उन्ना ही वर्क करते हैं, इदा नहीं कि मतलब बिल्कुल जला देने हेयर। तुसी देख सकते हो उन्होंने हेयर किन्ने ज़्यादा सॉफ्ट लगते पे हैं, है ना, क्योंकि देखने तो जजमेंट हो जाती है कि वाल ड्राई है या सॉफ्ट है ना। इन्हों हेयर बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगते पे सी ना हाईलाइटिंग तो बाद। सो मैं तुहानू सारयां नूं इही रिक्वेस्ट करना चाहुंदी हाँ जिन्ने भी सैलून वाले बिगनर्स हैगे आ कि प्लीज़ तुसी किसी दे भी हेयर नूं डैमेज ना करिया करो, क्योंकि सच्ची बहुत ही औखा हो जांदा। उदों उदों तां सोहणे लगदे आ बट बाद विच बहुत ही ज़्यादा जदों डैमेज हो जांदे ना, कॉम भी नहीं निकलदी वालां चों, फिर बड़ी प्रॉब्लम आउंदी कस्टमर्स नूं। सो मैं इही रिक्वेस्ट करूँगी कि तुसी उन्ना ही वर्क करिया करो हेयरस ते जिन्ना कि हेयर सह सकन। एंड उस तो बाद सीगे साडी कोल परमानेंट नेल पेंट लगवाण लई कस्टमर। सो आपां उन्हां दे नेल्स ते कर रहे हां वर्क ते इन्हां ने बहुत ही प्यारा कॉफी महरून जिहा शेड लिया सीगा अपने नेल्स लई। ते इह वी कस्टमर मेरे कोल आए सीगे फॉरन तो, एंड मैं ड्रिप लगवाण लई जाणा सीगा। सो मैं हले रेडी होई सीगी ते कस्टमर आ गए। सो फिर मैं सोचिया कि चलो इन्हों का वर्क डन करके फिर ही जाने। एंड तुसी देख सकते हो इदा आप टोर शोरा कड के, बीमार तो लगना ही नहीं ना, इदा टोर जिया कड के चाहिए ड्रिप ड्रुप लगवाण भी। सो पॉजिटिव रहा करो अपनी लाइफ च, कई बार हो जाता ना कि बंदा थोड़ा डीमोटिवेट, थोड़ा मतलब डिप्रैस जहा हो जाता, पर मेरा मनना है, मेरी थिंकिंग ये है कि तुहाडी फेस तो कोई जज नहीं करना, मतलब किसी नूं जज नहीं होना चाहिए कि तुसी बीमार आ, है ना। तो करते पे असी इन्हां दे नेल दा वर्क। एंड प्लीज़ जे तुहानूं मेरी वीडियो जरा जिहा भी वधिया लगदी आ ते प्लीज़ मेरी वीडियोज़ नूं लाइक जरूर करिया करो। मेरे इस चैनल नूं अपने दोस्तां मित्रां फ्रेंड्स फैमिली दे नाल वध तों वध शेयर कर दो। एंड कमेंट च दसना ना भुल्यो कि तुहानू मेरा वर्क किद्दा दा लगता, उहदे नाल मैं थोड़ी जी होर मोटिवेट हो जाती हूँ, है ना, मैं थोड़ी जी होर हैल्प हो जाती है वीडियो बनाने के लिए। सो प्लीज़ कमेंट करना ना भुल्यो एंड मैंने जरूर दस्यो कि मेरी वीडियोज़ तुहानू किद्दां दी लगदी है। नहीं भी वधिया लगदी है डिसलाइक दे दो, कोई चक्कर नहीं, है ना, बट जरूर दस्यो। अज का साडा प्यारा जिहा वीडियो। सो वीडियो नूं लास्ट तक देखने लई तुहाडा सारयां दा मैं दिल तों धन्नवाद करदी हाँ ते
थैंक यू सो मच जिन्होंने भी मेरा वीडियो लास्ट तक देखिया। एंड जेकर तुसी भी इदा प्यारा प्यारा कंचा काम करवाना चाहते हैं तो प्लीज़ मैनू कमेंट च जरूर दसो एंड मेरे को एक बार जरूर विजिट करियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।